यहाँ से ये नीचे की तरफ ऐसे मूवमेंट करता है, नीचे की तरफ डायफ्राम और हमारी चेस्ट कैविटी दोनों ही मूवमेंट करती हैं, और इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती रहती है, यानी ब्रीदिंग होती रहती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ डू वी ब्रीद, कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग क्या होती है और ब्रीदिंग रेट क्या होता है और इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है, ये पूरा हमने अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा था। और जिन वीडियोस में हमने इस टॉपिक से पहले वाले टॉपिक्स कवर किए हैं वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ से पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू वी ब्रीद, कि हम सांस कैसे लेते हैं, मतलब इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पूरी प्रोसेस जो होती है ब्रीदिंग की वो हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस नाउ लर्न अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के बारे में सीखेंगे। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, नॉर्मली हम एयर को हमारी नोस्ट्रिल्स से अंदर लेते हैं, और अंदर लेना, एयर को अंदर लेना इनहेल कहलाता है। जब हम सांस को खींचते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं, इसको इनहेल करना बोलते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, इट पासिस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू नेजल कैविटी, तो एयर हमारी नोस्ट्रिल्स से होती हुई नेजल कैविटी में पहुंच जाती है, और नेजल कैविटी से ये विंड पाइप से होती हुई लंग्स में पहुंच जाती है। पहले एयर नोस्ट्रिल्स में जाती है, नोस्ट्रिल्स से होती हुई नेजल कैविटी में जाती है, और नेजल कैविटी से विंड पाइप से होती हुई लंग्स में पहुंच जाती है। जो लंग्स होते हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी चेस्ट कैविटी में। और ये जो चेस्ट कैविटी है ये रिब्स से सराउंडेड होती है, मतलब जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके चारों तरफ रिब्स होती हैं। अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, और एक बड़ी मस्कुलर सीट जिसे डायफ्राम बोलते हैं वो चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाता है, मतलब चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होता है वो डायफ्राम होता है। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये डायफ्राम भी मूव करता है और रिब केज भी मूव करता है। अब ये रिब केज क्या होता है, जो सारी रिब्स होती हैं वो मिलकर एक केज की तरह होती है, एक पिंजरे की तरह बन जाती है, तो उसे बोलते हैं रिब केज। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, इसे रिब केज बोला जाता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो डायफ्राम में भी मूवमेंट होती है और रिब केज में भी मूवमेंट होती है। तो अब हम यहाँ से समझते हैं, ये फिगर है, इसमें देखिए यहाँ से एयर जाती है, ये नोस्ट्रिल्स में गई और नोस्ट्रिल से ये नेजल कैविटी में गई, और ये विंड पाइप में एयर पहुँच जाती है, विंड पाइप से लंग्स में जाती है। ये लंग्स है हमारे, ये वाला है और ये वाला, ये अंदर का थोड़े डिटेल में दिखाने के लिए इस तरह से दिखा दिया है, और ये इस तरह दिखा दिया है, दोनों लंग्स हमारे ऐसे होते हैं, और ये देखिए ये रिब्स हैं, ये रिब्स, और इधर भी रिब्स होती हैं ऐसे, तो रिब्स का एक पिंजरा सा बन जाता है, तो उसे रिब केज बोला जाता है। ये देखिए रिब्स, ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, और ये अंदर जो है ये पिंक पिंक सा दिख रहा है, ये लंग्स हैं, और यहाँ पर देखिए ये हमारी ये पूरी चेस्ट कैविटी है ये, और ये जो नीचे है ये है डायफ्राम, जो कि चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाता है, मतलब एक तरह से इसका फ्लोर होता है, मतलब सबसे नीचे होता है फ्लोर जो होता है हमारे जो रूम होता है उसमें सबसे नीचे होता है फ्लोर, तो इसमें देखिए ये डायफ्राम भी नीचे है फ्लोर की तरह। अब हम समझते हैं ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज्म। तो देखिए जब हम एयर को इनहेल करते हैं, मतलब एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं, तो इसमें यहाँ नोस्ट्रिल्स में एयर जाती है और वहाँ से नेजल कैविटी में जाती है, और यहाँ से विंड पाइप में जाती है एयर, और विंड पाइप से फिर लंग्स में जाती, ये लंग्स हैं, ये वाला जो अंदर का थोड़ा सा डिटेल में दिखा रखा है, इसलिए ऐसा दिखा रखा है, ये भी लंग है और ये भी लंग है। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम अभी तो यहाँ पर है, लेकिन इसकी पोजीशन ये है, अभी तो यहाँ पर है, यहाँ से ये नीचे की तरफ ऐसे मूवमेंट करता है, नीचे की तरफ ये ऐसे मूवमेंट करता है, नीचे तरफ खींच जाता है इस तरह। तो देखिए जब ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और जो रिब्स होती हैं वो बाहर की तरफ
अपनी तरफ, जैसे आप हम अब पढ़ रहे हैं तो बाहर की तरफ मूवमेंट करती हैं और ऊपर की तरफ जो ये रिब्स होती हैं ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट करती हैं और डायाफ्राम नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। तो देखिए दोनों जब मूवमेंट करते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है उनके अंदर स्पेस काफ़ी बढ़ जाता है, स्पेस इंक्रीज हो जाता है, तो एयर इजीली अंदर चली जाती है क्योंकि एयर को भी तो अंदर जाने के लिए जगह चाहिए थी, तो एयर इनके अंदर लंग्स के अंदर भर जाती है। और जब एक्सहेलेशन होता है मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये जो वो डायफ्राम है ये पहले की पोजिशन में आ जाता है। तो देखिए पहले की पोजिशन में आ गया और जो हमारी रिब्स होती हैं वो अंदर की तरफ मूवमेंट करती हैं, इनवर्ड्स मूवमेंट करती हैं, अंदर की तरफ मूवमेंट करती है, जो हमारी चेस्ट कैविटी अंदर की तरफ धस जाती है। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा हमारी छाती अंदर की तरफ धस जाती है, तो उससे क्या होता है जो एयर है उसको स्पेस नहीं मिलता और लंग्स पिचक जाते हैं और उसमें से एयर बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो डायाफ्राम है वो और जो रिब केज है वो मतलब हमारी रिब्स जो होती हैं वो दोनों ही मूवमेंट करती हैं, यानी डायाफ्राम और हमारी चेस्ट कैविटी दोनों ही मूवमेंट करती हैं और इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती रहती है यानी ब्रीदिंग होती रहती है। तो यहाँ से आप फिर याद करेंगे जब इनहेलेशन होता है तो हमारी रिब्स आउटवर्ड्स और ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हैं आउटवर्ड्स एंड अप, और हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, और जो एक्सहेलेशन होता है तो हमारी रिब्स इनवर्ड्स मूवमेंट करती हैं और डायफ्राम अपवर्ड्स मूवमेंट करता है और ये मूवमेंट चलती रहती है। तो अब यहाँ पर आते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स, जो रिब्स होती हैं वो अप एंड आउटवर्ड्स मूवमेंट करती हैं एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और एक्सहेलेशन के दौरान रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स डाउन एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायफ्राम मूव्स टू इट्स फॉर्मर पोजिशन, जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ अपनी पहले वाली पोजीशन में मूव करता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, दिस मोमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली, और ये मोमेंट हम इजीली फील कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती जो है बाहर की तरफ आती है मतलब चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ आती है क्योंकि जो लंग्स होते हैं उनके अंदर एयर भर जाती है और हमारी छाती फूल जाती है, चेस्ट कैविटी फूल जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी अंदर की तरफ जाती है क्योंकि हमारे लंग्स में से एयर बाहर निकल जाती है और हमारी छाती पिचक जाती है, तो ये मोमेंट हम इजीली फील कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमन, अपने पेट पर हथेली रखनी है और लंबी सांस लेनी है, फील द मोमेंट ऑफ द एब्डोमन, और पेट की मोमेंट को फील करना है। व्हाट डू यू फाइंड, जब हम सांस लेते हैं तो ये आप करके देखिए, जब आप लंबी सांस लेते हैं तो जो हमारा एब्डोमन जो हमारा पेट होता है वो भी फूल जाता है बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स मूवमेंट करता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी एक्सहेलेशन होता है तो जो हमारा एब्डोमन है पेट है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करता है। ये पढ़ते पढ़ते आप कर सकते हैं, इसको आप जरूर करके देखिए। आफ्टर हैविंग लर्नड दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देर आर चेंजेस इन साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, यहाँ पर आपने पढ़ लिया है कि जब हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसकी साइज में चेंजेस आते हैं। चिल्ड्रन गोट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, जब बच्चों को ये पता लगा कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें चेंजेस आते हैं तो चिल्ड्रन में आपस में कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज़्यादा अपनी छाती ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है, कौन अपनी चेस्ट कैविटी को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है। सभी एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाते हैं कि मैं ज़्यादा अपनी चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड कर सकता हूँ और मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या आपको भी ये एक्टिविटी अपने क्लासमेट्स के साथ करनी चाहिए? तो हाँ, ये एक्टिविटी अपनी क्लासमेट्स के साथ कीजिए और सभी अपनी अपनी चेस्ट कैविटी को फुला कर देखिए, एक्सपेंड करके देखिए किसकी चेस्ट कैविटी ज़्यादा फुल एक्सपेंड होती है या किसकी छाती ज़्यादा एक्सपेंड होती है, ये सभी आप करके देखिए। तो यहाँ से हम ये पढ़ते हैं थोड़ा सा
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये जो बॉक्स में लिखा होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। द एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, हमारे चारों तरफ जो एयर होती है उसमें बहुत तरह के अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पोलन्स एक्सेट्रा। वेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी, हमारे नेजल कैविटी में कुछ बाल होते हैं छोटे छोटे, तो उनमें ये जो स्मोक है और डस्ट या फिर पोलन्स जो होते हैं, तो ये हमारी जो नाक होती है उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं उनमें ट्रैप हो जाते हैं, उनमें फंस जाते हैं। हावर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी, और कई बार ये नेजल कैविटी में जो हेयर होते हैं उनको पास कर जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं, मतलब उनको क्रॉस कर जाते हैं और हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं। दिस मे इरीटेट द लाइनिंग ऑफ कैविटी, और हमारी जो नाक होती है उसमें थोड़ी और आगे जाकर एक लाइनिंग होती है, एक पतली सी झिल्ली सी होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और उससे वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, और जो ये डस्ट वगैरह जो अगर इन हेयर से मतलब बालों से आगे चले जाते हैं तो फिर हमारी जो कैविटी की लाइनिंग है उसको इरिटेट करते हैं, फिर हमें छींक आ जाती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी, और जब जो छींक आ जाती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो स्मोक या डस्ट और पोलन जो पार्टिकल्स वो बाहर निकल जाते हैं और क्लीन एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है। ये टेक केयर व्हेन यू स्नीज, जब आप छींकते हैं यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन, जब आपको छींक आती है तो आपको अपनी नाक को किसी रुमाल से या किसी कपड़े से, साफ कपड़े से ढक लेना चाहिए, ताकि जो ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये किसी और की इनहेलेशन के दौरान किसी और के अंदर न जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और डायफ्राम और चेस्ट कैविटी की मूवमेंट हमने यहाँ से पढ़ी है, और इसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप देखेंगे, क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाता है, तो इस वीडियो को अगर हम देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो ये वीडियो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। अब ये है एक्टिविटी 6.4, टेक अ डीप ब्रीथ, आप एक लंबी सांस लो, मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विद द मेजरिंग टेप, और जो फीता होता है जिसे हम नापते हैं उससे अपनी चेस्ट को नापना है, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.2, और 6.2 में ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। मेजर द साइज ऑफ चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट सोच द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, और आप यहाँ से फिर ये ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे, एक तो नेम ऑफ क्लासमेट यहाँ पर लिखना, अपने दोस्तों का नाम लिखने हैं, और जब हम सांस खींचते हैं तो हमारी जो चेस्ट होती है उसका कितनी मेजरमेंट होती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो कितनी होती है, और दोनों में डिफरेंस कितना होता है यहाँ पर लिख लेंगे, इस तरह से इन सब में लिख लेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस लिख लेंगे। अब देखेंगे कि जब इनहेलेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होता है, तो किसकी चेस्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है ये हम नोट करेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय आ सिंपल मॉडल, और ये जो है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म ये आप सिंपल मॉडल से भी समझ सकते हैं, इसका मॉडल मैंने बना रखा है, मेरे चैनल पर मैंने वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप इस मॉडल को देख सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। तो देखिए जब हम एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं, ये एयर अंदर जाती है तो जो रिब्स हैं वो आउटवर्ड्स मूवमेंट करती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, और जब एयर को बाहर छोड़ते हैं जो हमारा डायफ्राम अपनी वापस पोजीशन में आ जाता है, रिब्स वापस अपनी पोजीशन में आ जाती हैं और जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, तो पहले जैसी पोजीशन में सब आ जाता है। तो जब सांस खींचते हैं तो ये वाली पोजीशन होती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये वाली। एक्टिविटी 6.5, टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम, तो ये देखिए इस तरह से आपको करना है, एक प्लास्टिक बोतल लेनी है, ये वाली जैसे ये ले रखी है, इसका नीचे का हिस्सा यहाँ से काट देना है, एक प्लास्टिक बोतल लेंगे, जैसे ये बोतल ले ली हमने, ये बोतल होती है तो इसके नीचे का हिस्सा यहाँ से काट देना है, ये काट दिया, यहाँ पर एक बैलून लगा देना है या फिर रबड़ की कोई सीट लगा देनी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वाई सेप जैसे इस तरह से एक पाइप इस तरह से लगानी है, वाई सेप्ड, जिसकी वाई सेप हो, और यहाँ से भी ये खुली होगी,
यहाँ से भी खुली है और यहाँ से भी। इनके ऊपर गुब्बारे बांध देने छोटे छोटे, ये बड़ी रबड़ सीट होनी चाहिए और ये छोटे छोटे गुब्बारे बांध देंगे हम यहाँ पर। जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, इस रबड़ सीट को नीचे की तरफ खींचेंगे, तो एयर अंदर आ जाएगी और ये जो गुब्बारे हैं इनमें भर जाएगी। तो ये हम मान लेते हैं हमारे, ये मान लेते हैं डायफ्राम है और यहाँ से एयर इनहेल करते हैं, तो और ये मान लेते हैं हमारी चेस्ट कैविटी ये वाली। तो जब हम इसको डायफ्राम को नीचे खींचते हैं तो ये लंग्स हैं, इनमें एयर भर जाती है और ये जो चेस्ट कैविटी है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। तो ये हमारी जो इनहेलेशन प्रोसेस को शो करता है कि इनहेलेशन इस टाइप से होती है। जब हम इस डायफ्राम को छोड़ते हैं वापस, जैसे ये छोड़ दिया, तो ये गुब्बारे पिचक जाते हैं और एयर बाहर निकल जाती है। तो ये जो है ये एक्सहेलेशन को दिखाता है, मतलब जब एक्सहेलेशन होता है तब ऐसा होता है। ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ मूव करता है और जो चेस्ट कैविटी अंदर की तरफ मूव करती है और जो लंग्स है वो पहले की पोजिशन में आ जाते हैं और एयर बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हम बार बार इसको खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, तो ये पूरी जो ब्रीदिंग है उसका मॉडल एक तरह से हम तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह से जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म भी इसी तरह से होता है। तो यहाँ से आपको ब्रीदिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये एक्टिविटी आप ज़रूर करना, ये मॉडल आप इजीली बना सकते हैं। इसमें देखिए कोई भी पैसे नहीं लग रहे, बैलून है वही आएगा 5-10 रुपए का, नहीं तो बोतल वगैरह तो सब कहीं हमें मिल जाती हैं। और वाई शेप्ड जो है प्लास्टिक ट्यूब आप बनाने के लिए, एक प्लास्टिक ट्यूब लेंगे और इसमें छोटी छोटी प्लास्टिक ट्यूब्स जो है ऐसे टेप से ऐसे लगा देना, यहाँ पर लगा देना, यहाँ पर बैलून बांध देना, ईजी है ये काफ़ी। तो इसको आप करके ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारा यही समझा रखा है कि इसको बैलून को नीचे खींचना है, रबड़ सीट को नीचे खींचना है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या बैलून्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये सब मैंने जो बता दिया है वही ये सब कुछ बता रखा है। ये वाला मॉडल मेरे स्टूडेंट्स ने भी बनाया था और मैंने भी बनाकर इसका वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वो मॉडल कैसे बनाया जाता है और कैसे वो वर्क करता है। तो इसको, इस मॉडल को देखने के लिए, इस एक्टिविटी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से सर्च करें कि ये वाली एक्टिविटी सर्च करें और इनहेलेशन एक्सहेलेशन एक्टिविटी सर्च करें तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का वीडियो देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक करेंगे, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो मैंने पहले बताया था जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, लेकिन इसको प्रूव करेंगे हम इस अगले वाले वीडियो में, हम उसको प्रूव करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है या कोई और गैस है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।